जमियत उलमाए हिंद के सम्मेलन के दूसरे दिन ज्ञानवापी मथुरा विवाद से लेकर कॉमन सिविल कोड पर प्रस्ताव पास किए गए हैं। जमियत उलमाए हिंद ने अपने प्रस्ताव में सरकार और सियासी दलों को नसीहत दी है कि अतीत के गड़े मुर्दों को उखाड़ने से बचना चाहिए। सहारनपुर के देवबंद में आयोजित जमियत उलमाए हिंद सम्मेलन का रविवार को दूसरा दिन रहा। सम्मेलन में 25 राज्यों के करीब 1500 उलमा जुटे थे। पहले दिन जहां देश के हालात और देश में मुस्लिमों की स्थिति पर चर्चा हुई थी, वहीं रविवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव पास हुआ है। जमियत उलमा के प्रस्ताव ने 1991 धर्म स्थल कानून का हवाला देते हुए ज्ञानवापी विवाद को संविधान का उल्लंघन बताया। इतिहास सुधारने के नाम पर मस्जिदों और इबादत गाहों में विवाद खड़ा किया जा रहा है। शरीयत को लेकर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने सख्त रुख अपना है। सम्मेलन में समान नागरिक संहिता लागू करके मूल संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने की कोशिश पर चिंता जताई गई है। मुस्लिम नेताओं ने कहा कि इस्लामी शरीयत में किसी भी तरह की दखलअंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी, इसलिए जब भारत का संविधान बना तो उसमें मौलिक अधिकारों के तहत ये बुनियादी हक दिया गया कि देश के हर नागरिक को धर्म के मामले में पूरी आज़ादी होगी। उसे अपनी पसंद का धर्म अपनाने, उसका पालन और प्रचार करने की आज़ादी का बुनियादी हक होगा। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि भारत के संविधान की इस मूल विशेषता और इस गारंटी को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ की सुरक्षा के संबंध में एक स्पष्ट निर्देश जारी किया जाए। अगर कोई सरकार समान नागरिक संहिता को लागू करने की गलती करती है तो इस घोर अन्याय को हरगिज स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस मौके पर जमियत उलेमाए हिंद सभी मुसलमानों को ये स्पष्ट कर देना जरूरी समझती है कि शरीयत में दखल अंदाजी उसी वक्त होती है जब मुसलमान खुद शरीयत पर अमल नहीं करते। अगर मुसलमान शरीयत के प्रावधानों को अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करेंगे, इस पर अमल करेंगे, तो कोई कानून उन्हें शरीयत पर अमल करने से नहीं रोक पाएगा। सम्मेलन में कहा गया कि इसलिए तमाम मुसलमान इस्लामी शरीयत पर जमे रहें और किसी भी तरह से मायूस या हतोत्साहित ना हो। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।